तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किए गए आईटी के सब्जेक्ट कोड 402 के सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म वन, जिसका सेशन 2021-22 के लिए है। ठीक है, तो रिटेल वालों का भी जो भी सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था, तो जो भी सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया था रिटेल वालों का सब्जेक्ट कोड था 401, उसमें से 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, वो भी मैंने अपलोड किया सोल्यूशन के साथ में, वो भी देख सकते हो। तो आप भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्या पता इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो अभी साथ में मैं आंसर की लगा दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, डायरेक्ट देख कर। तो यहाँ से सेक्शन स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26 सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 टोटल 33 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इनकी आंसर की देख लो और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रिटेल वालों का 20 से ऊपर क्वेश्चन मिले थे उसमें से। ठीक है, तो एक बार देख लो इसकी आंसर की। ठीक है, तो ये इसकी आंसर की है बच्चों, सब्जेक्ट कोड 402। ठीक है ना, लिखा हुआ मार्किंग स्कीम टर्म वन। ठीक है, आईटी क्लियर है, तो यहाँ से आप आंसर मैच कर लेना, ये सेक्शन ए के आंसर हैं। ठीक है, सेक्शन ए के आंसर, आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर है। फिर सेक्शन बी में जो क्वेश्चन थे 15-20 उसके आंसर हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, उसके बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 फिर केस बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन सी, इनके आंसर है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ठीक है। तो एक बार इनकी आप प्रैक्टिस कर लो, आंसर के साथ में मैंने लगा दी है, क्योंकि रिटेल वालों का काफ़ी क्वेश्चन इसी में से दिया गया, इसी के बेस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए गए थे। तो आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि पेपर में इसमें से जो भी क्वेश्चन है आपको ईजी लगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।